एमपी साहब जीते हैं 15 एक तरफा पास लेकर काम ना होगा रे। जीत ज्यादा नो करके लिकड़ गया वो अके भाई चलो मैं हार रहा हूँ अके अरे कटमरी हो जाएगी। अच्छा। हाँ अरे रोल करके जीत दो 10 लाख से आड़ा पर्ची दस है ना उसकी ना ना पर्ची के बेहतला गई की बार चुनाव में तो भाई एक्टर भी है दीपेंद्र का। हाँ क्या तो लाड कर रहे हो दीपेंद्र था दीपेंद्र बड़का ईशा है। हाँ दीपेंद्र अच्छा नेता है काम भी बढ़िया करवाओ है पूरे समाज छत्तीसगढ़ ने साथ लेकर चल रहा है। वही अब की बार तो दीपेंद्र ही आएगा यहाँ करेंगे लोग काम करते नहीं। अरविंद शर्मा ने क्या कुछ कराया शर्मा तो एक बोले पड़े जब कश्मीर में न बड़े पछ के दिया आए नहीं तो मैं तो कांग्रेस है कांग्रेस आ जाएगी पक्की। अच्छा बच्चा सरकार इतनी झूठी है बीजेपी की इतनी सरकार एक भी कोला। नमस्कार स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अभी मैं रोहतक लोकसभा के पकसमा गांव में हूं और मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं। बातचीत कर लेते हैं कि वो इस लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। दादा राम 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 बेटे राम के कुछ लागा है की बार चुनाव का रोहतक का तो बात सुन ले हमारे गाँव में तो सदा जीत कर जाग रहे हो नंबर एक और इबका ऐसा है जो आया बोला भाई इबका जीतने की बात जीतेगा पक्का जीतेगा पक्का। हाँ पछली बाजी के चूक लग गई बाकी जीत रहा था सुन जीत रहा था डीसी ने बोला मरना करता डिक्लेयर रोहतक आड़ा रात डिपार्टमेंट वा गए और सन उसका दर्दर का वो बोला डीसी और तड़के 4 बजे डिक्लेयर कराया था दीपेंद्र आ रही है 4 बजे कराया आपको याद होगा सबकी होली तो उसकी ना करी जीत ज्यादा नो करके लिकड़ गया वो अके भाई चलो मैं हार रहा हूँ अके हारे कटमरी हो जाएगी। अच्छा। हाँ तो मतलब लोगों में गुस्सा हो गया था ना है गुस्सा हो गया था। अच्छा। हाँ जीता हराया था। अच्छा। हाँ तारे गांव के तो जा रहे नुका पहलवाना का गांव है यो। अच्छा पहलवाना का तो गांव है जब से कही थी उसने के भाई आ जाओ सुनी अके अरे कटमरी हो जाएगी सुनी यह बात नो थी जी। अच्छा यह बात नो है। हाँ जी राम राम जी राम राम भाई राम राम के बेहतला गई की बार चुनाव में तो भाई एक्टर भी है किसका एक तरफा दीपेंद्र का। दीपेंद्र का। हाँ दीपेंद्र उड्डा का क्यों एक तरफा मानो आप भाई इतना अच्छा लड़का है यो नरम है काम करा है इसने के काम करा देता रही से अरे काम इसने करा के कौन कौन से गिनवा दो के करो के गिनवा होगा कौन कौन से काम करे हैं समझा स्कूल इसने बनवाया। अच्छा पुरानी बिल्डिंग हो रही थी भाई और गलिया पूरी इसके टाइम में बनी सारी स्कूल एक लेट दीपेंद्र ने बनवा रहा 20 लाख रुपये लागा। अच्छा। सारा स्कूल खंडर हो रहा था कोई भी ना भावड़ा साड़ा आने के जो सरपंच था जब 20 लाख की ग्रांट देकर 20 कमरे बनवा दिए आज स्कूल चालू है बड़ी हालत में। 20 में क्यों बनाया था पूरी बिल्डिंग बनाई थी स्कूल की दीपेंद्र ने। हाँ जी ठीक है और फिर गांव में इसका बोर्ड का सेंटर नहीं था बोर्ड का सेंटर नहीं था गांव में पहले टूट गया था एक बाजार पे एक कहने पे सेंटर उसी का एक पेपर रह रहा था बर्मी का वो पेपर यही हुआ था फिर उसी टाइम सेंटर आ गया ठीक है। ताहू दादा अगर बीजेपी वाले तारे बीच में आवे नुका भाई मामना वोट दो हमने काम करवाए तो के कहोगे उन हम का जा दिया गिर जाएंगे भाई बस ना खराब हम कर कह दे 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 भाई ठीक से गांव में नहीं कोई आवे कोई अंत को ना है एक दिन एक आया था ओ एम पी साहब वो तो मेरे ख्याल में 5 मिनट रुक गया होगा अरविंद शर्मा। हाँ जब्बा गया चौकड़िया डर का बात जहर था गांव में बाबू ना को मरता पीटता था को ना बाकी उन बेरा थारी ब्रान माटी करेंगे लोग काम करते है नहीं दादा नो ब्रान माटी कर दें लोग देखो भाई अपने बन रहा हूँ क्यों कहते थी ना ठीक है न्याय चल अपना हम डेली अपने जाएंगे मतलब पानी बहुत तकलीफ थी
गांव में पानी बहुत तकलीफ थी। एक टूब लगा, एक बूस्टर बना रखा दीपेंद्र ने, एक उसमें साइड बना रखा, तीन बूस्टर हैं दीपेंद्र के कारण। दीपेंद्र के कारण तीन बूस्टर आ रहे हैं, पानी की मौत हो रही है। अरे यो तारा अरविंद शर्मा दाई ना के कुछ काम कराया, काम नहीं करे भाई, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं करा। ई एक दिन आया था पांच साल में, ई एक दिन आया था भाई, उसके बाद तो यो आया ही नहीं ना। इसने के मैं नो पूछिए कि भाई के समस्या है गाँव में, गरीब आदमी तो गम्मा मेरा यार, इन्हें ना पूछे कम्मा बीजेपी वाला ना कोई भी तना के भी लग गया है। अब आपने ठीक का लग गया है, किसका भी लग गया है, आपने कोई सेगा ना लगता, कोई सेगा लगता। हाँ जी, क्या क्या लगता आपकी बार चुनाव में क्या भाई? एमपी साहब जीतते हैं, दीपेंद्र एक तरफा पास ले गया, काम ना होगा अरवा दिया था रोहतक में, रोहतक में हरा दिया और कौन हरा था सरकार ने, सरकार ने डीसी बदलवा दिया, गिनती रखवा दी तीन बे नहीं कुण रानिया था, अरे इबके देख लेंगे, हरा देंगे था, हाँ तीन बूस्टर बना रखे हमारे गांव में, इतने काम करवा रखे, रोहतक चमका रखी, ओपीडी बनाई, छोटी ओपीडी हो आरती, एक एक बरंडे की कितनी बड़ी ओपीडी है, ट्रोमा सेंटर रोहतक में, पीजीआई में छोड़ा के था इन ले साल में उठा रहने बाद। अरविंद शर्मा ने क्या कुछ कर शर्मा था, एक बोले पड़े जब कश्मे में ना बने पच के दे आए नहीं ना। हाँ अच्छा। गाम में अरविंद शर्मा बजवा दे के दे आया होता है, ये भी नाटक है मेरा दूर पाच तो हमारे गाम में की अपने को आदे एक बाया होते बने पच के दे भी। अच्छा। बता इतना बड़ा गाम है, इतना बड़ा गाम भाई, यहाँ पर देख लो अभी दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ लगा इसकी बार चुनाव में? दीपेंद्र हुड्डा क्या लग गया भाई? दीपेंद्र हुड्डा क्यों लगा? दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा अच्छा नेता है, काम भी बढ़िया करवाओ है, पूरे समाज छत्तीसगढ़ ने साथ लेकर चल रहा है, गांव में पानी की समस्या दीपेंद्र ने पूरी करा दी, बता रहे सारे काम दीपेंद्र ने पूरे करवाए थे। हाँ सारे काम दीपेंद्र ने पूरे करवाए थे भाई। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा लग रहे, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हो? आठ बतेरी जनसंख्या है, पूरा गांव साथ में है कांग्रेस के साथ। हाँ छत्तीस बरादरी गेल लेकर चला भाई साहब, कथी अरीब की बार डंके की चोट पर जितावा कथी कथी भाई साहब। पछली बाजी वाले मान लो पछली बाजी वाला काम हो जाए फिर ना हो भाई, जो करता हम बता रहे हैं उनका रोल होगी थी इब की बार ना होने दे भाई, ना होने दे, गम हो जाएगा ना खड़ा। हाँ अच्छा, और सुने 1984 में गरीबान प्लाट मिले थे जो भूमि ऐसी आदमी है, उनके बाद हुड्डा सरकार आई वो अन योजना ले आई, कुछ गम हम रह गए, कुछ हम मिले हैं फिर इनका फेरा होगा फिर मिल लेंगे, गरीब आदमी इनके चाहिए सोग जंग कितनी जा कमा सारी जिंदगी में, वो फरी दे है सरकार। बता बढ़िया है, मतलब तारे बढ़िया कितनी खूब बढ़िया भाई। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ लगा आपकी बार? ऐसा भाई अब की बार तो दीपेंद्र ही आएगा यहाँ, दीपेंद्र आऊगा। क्यों लगता है आपको दीपेंद्र? इसलिए आता है कि सबसे जरूरी चीज है, एक तो उसका बोलचाल और हर आदमी से उसका व्यवहार मिलनसार है, मिलनसार आदमी है सभी से, समझे, सबसे जरूरी है बातचीत, सभी से अच्छी तरह से बातचीत अटेंड करता है आदमी को। अच्छा। संतुष्टि करता है। दूसरा यह है कि बीजेपी का मेन कारण तो यही है, सबसे बड़ी देश को धोखा दे रही है, जो चार साल के लिए अग्निवीर भर्ती कराया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है देश को, इंडिविजुअल को भी नुकसान है, चार साल के बाद क्या करेगा यहाँ, समझे, और उसके बाद देश को नुकसान, क्या सीखेगा वो, क्या चलाएगा वो, तो ये दो तीन कारण हैं जो कि बीजेपी के हार के कारण हैं। और दीपेंद्र की बार 100% जीत का दावा कर रहे, 100% जीत का दावा कर रहे हैं, तो बिल्कुल है 100%। अच्छा बिल्कुल, अरे अरविंद शर्मा तो नु कर मैं जीतूंगा 3 लाख तक, अरे रोल करके जीत दो 10 लाख तक, आठ पर्ची दस है ना उसकी, दस है ना उसकी, ना ना पर्ची कोई ना उसके आड़े। अच्छा कुछ ना है, नाराज उठा कौन कौन सी झूठ बोल दी सी, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने 70 साल में कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा। कितने साल का हो गया तू? 70-75 साल का हो गया मैं। हाँ हमने प्रधानमंत्री इतना झूठा कोई नहीं देखा। अच्छा। बस के झूठ बोल दी सी, सारा दिन बोला है, सुना है टीवी पर, आप पर सुन लो हम के बतावा, सारी झूठ बोला है, सारी झूठ बोला, सच्ची है कि बिना जानता। अच्छा। ये तो नु कहता मोदी झूठ बोला है, दीपेंद्र बढ़िया है,
आप क्या कहोगे इस बारे में? भाई इसमें यो उड्डा ठीक से हाँ यो धरती जैसा कर यो धरती में ना लंता मोदी। अच्छा? हाँ मोदी अंदर वो दूसरे देश की चाल सड़क रहा है भाई। हाँ भाई ऐसा इलेक्शन भी ना हो और अगर ताना सा। अच्छा। और ऐसा पंचांग इलेक्शन भी नहीं होंगे जब कांग्रेस नहीं बनी तो जो बन गया था। हाँ वो भी नहीं होंगे फिर कौन बनेंगे सरपंच? ये आप बना देंगे उड़ा बैठे बैठे रह भी नहीं पड़ेंगे फोन ना भरा पड़ेंगे आप गए तो। हाँ जी ये नु कह रहे सरपंच भी नहीं बनते मोदी आएगा दोबारा। हाँ जी ठीक है यो ठीक है रहा है और बनाए ना तो नशा ही राज हो जाएगा और के काम रह गया। और इसके सुन ले मैं इस राजनीति दूर हूँ। राजनीति से दूर है। अच्छा बढ़िया मानस भाई फिर तो अपने घर के मेरे केला गायब के रोहतक में के गुजर होगा। रोहतक में तो कांग्रेस आनी है। कांग्रेस आ जाएगी पति पक्की। अच्छा 100 की 100 है दीपेंद्र ठीक है जीत से कितने तक जीत मानना है? 100 की 100 है कितने तक जीत मानना? 2,00,000, 1,50,000 तक तक तो फाइनल है। फाइनल है हां जे कायदा जीतो है कायदा जीतो ले भाई कायदा जीतो अरविंद की फाइनल है। हाँ दादा राम राम केला गायब की बार केर होगा रोहतक में? रोहतक में दीपेंद्र आओगा दीपेंद्र आओगा बेटा। किन बात का लगा दीपेंद्र आओगा? बात ऐसे है सरकार इतनी झूठी है बीजेपी की इतनी सरकार एक भी कौन है? अच्छा। इतनी झूठी सरकार है। झूठी अच्छा। सरकार है झूठी सरकार। अच्छा। गांव का क्या कुछ माहौल है? गांव में जोर जी पंद्रह का पक में किस रेटी में अचाल किस रेटी में पक में अचाल में जोर जी पंद्रह का। हाँ सनपट में वो जीत रहा है वो जो कांग्रेस वाला है। हाँ उनकी पक्का कलरे को हाँ उगा रुका पाट रहा है रुका पाट रहा इसका मतलब ये दोनों सीट पक्की है। हाँ दोनों सीट ये बीजेपी वाले का हम तो 10 की 10 सीट ले होंगे। ना 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 भाई मारे दादा का बयान और लिए पछली कसर सारी मेटनी है। पछली कसर सारी मेटनी है इतनी तो बगा गिनती नहीं आओगी इन। हाँ चाहे गोली चाल जाए गोली चाल जाए। हाँ हाँ नहीं उल्टे हटाएंगे। अच्छा। हाँ इतना क्या तो लाड कर रहे हो दीपेंद्र था? दीपेंद्र बड़का ईशा है। बड़का दीजिए। हाँ तेरे छोरे बुरी गए। हाँ अच्छा मारे छोरे वारी अरियो पहले। अच्छा। हाँ इतना लाड। हाँ ओहो इतना लाड तुमने सारे हरियाणा में किसे का देखा? मारा देखिए के आगे बन जाए जब देखिए। हाँ जब देखिए पूरे काम करवा देगा। काम अपने आप करेगा वो। अपने आप करेगा तो उन्हें कहने की जरूरत भी ना है। है, अपने आप करे। हाँ लाडा ही है। आपको इस सर्वे में क्या कुछ खास बात लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इन सारे ताऊआ मदद के कुछ खास बात लगी या भी जरूर बताइए। पाकिस्तान गाँव की कैमरा से होगी विकास सैनी के साथ मैं अंशुल शर्मा। नमस्कार। सत्य खबर सत्य सटीक बेबाक।